अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं ड्रीमबर्ड्स एंड कैट्स की तरफ से आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि ब्रीड कैसे ली जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप बर्ड लेते हैं, बर्ड लेने के बाद उसकी पेयरिंग करते हैं। ये आपके सामने जैसे कि ग्रे पैरेट बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इनको आप अभी गर्मी चल रही थी, इलेक्ट्रोलाइट्स हमने दिए थे, उसके बाद इनके मल्टीविटामिन्स का एक कोर्स कंप्लीट करवाया है। अब इसके बाद हम ब्रीडिंग फार्मूला देंगे इनको, ठीक है। मल्टीविटामिन्स का कोर्स जो करवाते हैं हम, कितने दिन का करवाते हैं? तकरीबन 7 दिन का मल्टीविटामिन्स का कोर्स करवाते हैं, ताकि इनके जो ग्रोथ है वो, और उसके बाद इनको हम ब्रीड के लिए बॉक्स लगवाते हैं, देन ब्रीडिंग फार्मूला लगाते हैं। और खाने में क्या क्या दिया जाता है, जैसे कि सॉफ्ट फूड हो गया, ठीक है, सॉफ्ट फूड में दालें हो गई बहुत सारी, ठीक है, और चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, इन जैसी दालों को मिला के एक सॉफ्ट फूड की फीड बनाते हैं। अमूमन लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिला लेते हैं, हम उसके अंदर फ़िश ऑयल जो होता है वो मिलाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनके खाने में फ्रूट्स इतना लगा देते हैं भरपूर, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। उसके साथ भुट्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अमूमन कंप्लेंट्स क्या आती हैं, हमारे बर्ड्स डंडे तोड़ रहे हैं। डंडे इसलिए तोड़ रहे होते हैं क्योंकि उनको नेक्स्टिंग मटेरियल नहीं मिल रहा होता है। तो नेक्स्टिंग मटेरियल के लिए आप बॉक्स के अंदर अच्छे से नेक्स्टिंग मटेरियल डालें, ठीक है। और इसी तरीके से फिर पहाड़ी का भी यही हिसाब किताब है, ठीक है। फ्रूट्स लगाएंगे आप, वेजिटेबल्स लगाएंगे, ठीक है, और सॉफ्ट फूड्स लगाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप दाने की, अब कुछ लोग उसमें पैलेट्स चला रहे होते हैं पेटा कस के, ठीक है, पैलेट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग अफोर्ड करते हैं महंगे ब्रीडिंग फार्मूला, तो सॉल्वेंट डी ब्रीडर लाइक सपोज यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कम से कम वाली चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से लबर्ड्स के ऊपर भी यही है, ठीक है। कोई VMD यूज़ कर रहा होता है, कोई सॉल्वेंट डी ब्रीडर यूज़ कर रहा होता है, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम आपको एक गाइडलाइन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। बेसिकली हमारा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ही यही था, ताकि आप लोगों को हम बता सकें, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स, गर्मियाँ थी, ठीक है, ताकि बर्ड अपना हेल्दी जो हाँप रहा होता है ना, वो हाँपनापन उसका ख़त्म हो जाए, ठीक है। जब बर्ड बिल्कुल आपका एक्टिव होगा, ठीक है, देन मल्टीविटामिन्स का आप एक कोर्स करवा देंगे उसको, 7 दिन का, 7 डेज़ का। मल्टीविटामिन्स और ब्रीडिंग फार्मूला सेम साथ साथ चलता रहे, कोई इशू नहीं है, बेस्ट है, ठीक है। ब्रीडिंग फार्मूला आप मार्केट में जाएं, ठीक है, कोई भी आप परचेस कर लें, ठीक है। आपको अगर मुझसे कोई गाइडलाइन चाहिए, बिल्कुल एनी टाइम मैं आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, 0347260-2230, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी ब्रीडिंग के हवाले से आपको गाइडलाइन चाहिए हो, ठीक है। अच्छा, अब अमूमन लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लवबर्ड्स का नेक्स्टिंग मटेरियल क्या लगाया जाए। लवबर्ड का नेक्स्टिंग मटेरियल, जो कुछ लोग पुराने जो हैं वो घास लगाते हैं, लूसन लगाते हैं, ठीक है। कुछ जो नए हैं, नेक्स्टिंग मटेरियल मार्केट में न्यू बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो लगा रहे होते हैं, ठीक है। और एक नेक्स्टिंग मटेरियल पैक आता है, बाहर से इंपोर्ट आता है, तो वो नीचे बॉक्स में बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर घास बिछा दी जाती है। तो फिर इस तरीके से ब्रीडिंग के लिए वो बॉक्स रेडी हो जाता है। अच्छा, अमूमन लोग क्या करते हैं, एक ही मटेरियल को लास्ट कलर्स तक चला रहे होते हैं, तो भाई
थोड़ा से खर्चा कर लिया करो, ठीक है? तो आप लोग जाहिर सी बात है अपना घर भी साफ़ सुथरा रखते हो, ठीक है? अपना रूम जिस पे बैठते हो उठते हो तो वो भी चेंज करते हो ना, तो भाई एक दफ़ा ब्रीडिंग करवा ली है आप लोगों ने, ठीक है? एक क्लच ले लिया है तो दूसरे क्लच के लिए बॉक्स की सफाई करें, ठीक है? लिहाजा थोड़ा सा खर्चा होता है, सफाई से काम करेंगे, ठीक है? उससे बच्चों के पैर ख़राब नहीं होते, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, और कुछ लोग हैंड फीड पे ले लेते हैं बहुत जल्दी, तो वो भी सही है, बेहतर है, क्योंकि नर और मादा ना फिर मार देते हैं, 10 दिन 12 दिन के बाद उठा लेते हैं अमूमन लोग, कुछ लोग महीना महीना रखते हैं, नहीं मारते हैं उनके बर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को गाइडलाइन इसी तरीके से और गाइडलाइंस मिलती रहेंगी ड्रीम बर्ड्स एंड कैट्स की तरफ से। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो शेयर करें, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के साथ हम आपको गाइडलाइन देते रहेंगे, ठीक है? बहुत सारे हमारे बंदे हैं, ठीक है? तो हम उनसे भी डिस्कस करेंगे और ऐसी वीडियोस को हम अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे एक्सपीरियंस। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।